आज हमारी पूरी दुनिया ग्लोबलाइज हो चुकी है और इसमें एक बड़ा योगदान इस बात का भी है कि हम सब ने मिलकर एक कॉमन चीज को आधार बनाया, जैसे कि ट्रेड के लिए डॉलर को और कम्युनिकेशन के लिए इंग्लिश को। अब जरा सोचिए कि इन कॉमन चीजों के बिना ये कितना मुश्किल होता। बहरहाल हमने इस वीडियो के पिछले पार्ट में जाना था कि वैज्ञानिकों ने एक नया सिग्नल बनाया है जो कि अंतरिक्ष में भेजा जाएगा। ये सिग्नल काफी यूनिक है और अगर आप इसके बारे में और जानना चाहते हैं तो आपको पार्ट 1 जरूर देखना चाहिए, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन और ऊपर आई बटन में मिल जाएगा। साथ ही हमने जाना था कि अगर हमें इंटरस्टेलर मैसेज भेजना है तो हमारे पास एक कॉमन लैंग्वेज होनी चाहिए जो कि मैथमेटिक्स को माना गया है, और इसीलिए हम बाइनरी कोड में अपने इंटरस्टेलर मैसेजेस को ट्रांसमिट करते हैं। तो चलिए अब शुरू करते हैं आगे की बात। जब हम बात करते हैं बिट मैप की, तो बिट मैप बाइनरी कोड में जनरेट हुई इमेजेस होती हैं और इन मैसेजेस को समझने के लिए इन्हें डीकोड करना होता है। लेकिन एक चीज यहाँ पर हमारे इस मिशन के लिए एक बड़ा खतरा बन सकती है और वो है आँखें। जैसा कि हम सब जानते हैं कि जैसा हम इंसान इस दुनिया को देखते हैं वैसे कोई भी नहीं देखता। एक बिल्ली के लिए ये दुनिया एकदम अलग होती है, एक घोड़े के लिए अलग, व्हेल और हाथी के लिए अलग। तो हम क्या सोचकर अपने मैसेजेस को डिजाइन करें, हमारा मैसेज कौन पढ़ेगा, कौन देखेगा, ये तो सब डिपेंड करता है उन एलियंस की कैपेबिलिटीज पर। तो क्या हमें बिट मैप्स या तस्वीरें नहीं भेजनी चाहिए? नहीं, इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि हमें बिट मैप बेस्ड सिग्नल भेजने बंद कर देने चाहिए, बल्कि हमें ये सोचना चाहिए कि हम कैसे अपने मैसेज को एकदम सही अर्थ के साथ उन तक पहुंचा सकते हैं। लेकिन हाँ, हमें ये जरूर सोचना बंद कर देना पड़ेगा कि ये हमारा आखिरी प्रयास है। सन 2017 में वैको और उनके कलीग्स ने पहली बार कोई ऐसा इंटरस्टेलर मैसेज भेजा था जिसमें साइंटिफिक इन्फॉर्मेशन को ब्रॉडकास्ट किया गया था। ये एक्सपेरिमेंट डगलस वैको सन 2003 से कर रहे थे और उनका टारगेट था GJ273b, एक एक्सोप्लैनेट जो एक रेड ड्वार्फ स्टार का चक्कर लगा रहा था। धरती से ये एक्सोप्लैनेट सिर्फ 12.36 लाइट ईयर्स की दूरी पर ही मौजूद है। वैज्ञानिक मानते हैं कि ये प्लैनेट लाइफ को सपोर्ट कर सकता है और यही कारण है कि डगलस ने इसे अपना टारगेट बनाया। एक इंटरव्यू के दौरान डगलस ने space.com को बताया कि ये सिर्फ एक प्रोटोटाइप है और इसके लिए उन्हें 100, 1,000 या 10,00,000 से भी ज्यादा सिग्नल ट्रांसमिट करने पड़ सकते हैं। लेकिन अगर वहाँ पर लाइफ है तो हमें रिजल्ट सिर्फ 25 साल में देखने को मिल जाएगा, क्योंकि ये तारा ज्यादा दूर नहीं है। अगर वो एलियन हमारे जितने एडवांस हैं तो वो हमसे कम्युनिकेट जरूर करेंगे। एलियंस को मैसेज भेजने का ये सारा काम मैटी यानी मैसेजिंग एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल इंटेलिजेंस नाम की एक संस्था करती है, जिसे एक्टिव सैटी भी कहा जाता है। अब ये एक्टिव सैटी का क्या मतलब है? यहाँ आपको बता दें कि सैटी नाम की एक संस्था है, सैटी यानी कि सर्च फॉर एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल इंटेलिजेंस, और सैटी का काम ऐसे सिग्नल्स को सुनना और ऐसे सिग्नल्स की तलाश में रहना है जो हो सकता है कि इंटेलिजेंट एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल एलियंस ने भेजे हों। तो ये है सैटी और एक्टिव सैटी यानी मैटी के बीच का फर्क। मैटी कंट्रोवर्शियल भी है क्योंकि इसके कुछ क्रिटिक्स कहते हैं कि हमारे द्वारा भेजे गए ऐसे सिग्नल्स किसी सुपर एडवांस या किसी संसाधनों की भूखी एलियन सभ्यता को उकसा सकते हैं, जो हमारी धरती के भविष्य के लिए एक बड़ा खतरा हो सकता है। और आप ये जानकर हैरान हो जाएंगे कि इन क्रिटिक्स में एक हमारे सर स्टीफन हॉकिंग भी शामिल हैं। तो इसके जवाब में वैको कहते हैं कि उनके ये सिग्नल धरती के लिए खतरा नहीं बनेंगे। अगर हमारे आसपास ऐसी कोई सुपर एडवांस एलियन सभ्यता होती भी है तो पिछले 50-60 सालों से हमारी धरती से टीवी और रेडियो सिग्नल्स लीक हो रहे हैं। अगर वो इस तरह के एलियंस होते तो वो कब के आ चुके होते। तो क्या अब हमें इस नए सिग्नल से भी डरने की जरूरत है? नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। दरअसल ये सिग्नल किसी एलियन प्रजाति को उकसाने के लिए बिल्कुल भी नहीं है, और इस सिग्नल का आइडिया वैको के सिग्नल के आइडिया से बिल्कुल अलग है। वैको का सिग्नल आइडिया सिर्फ पास की एलियन इंटेलिजेंस स्पीसीज को उकसाने के लिए था। जोनाथन जियांग का ये नया सिग्नल बिना किसी ट्रांसमिशन एरर के ब्रॉडकास्ट करने के लिए बना है। दरअसल सन 2003 में एक कॉस्मिक कॉल ब्रॉडकास्ट नाम से कई तारों को टारगेट करके एक मैसेज भेजा गया था जो कि यूक्रेन के एक टेलीस्कोप से ब्रॉडकास्ट किया गया था। मैटी का ये नया सिग्नल भी उसी कॉस्मिक कॉल के सिग्नल पर आधारित है। जैसे कॉस्मिक कॉल सिग्नल में ट्रांसमिशन एरर से बचने के लिए अल्फाबेट्स का एक पैटर्न बनाया गया था, यहाँ पर इस नए सिग्नल में ठीक वैसा ही कुछ देखने को मिलेगा। बाद बाकी बेस 10 नंबर सिस्टम और मैथमेटिक्स को भी अल्फाबेट्स के जरिए ही बताया जाएगा,
टाइम के कॉन्सेप्ट को हाइड्रोजन के स्पिन फ्लिप ट्रांजिशन से एक्सप्लेन करने का आइडिया है। पीरियडिक टेबल के कुछ कॉमन एलिमेंट्स, डीएनए की केमिस्ट्री और स्ट्रक्चर को भी रिवील किया जाएगा। और इस मैसेज के लास्ट में होगा सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट, जो हमें लगता है कि शायद ही वो उसे उस तरीके से समझ पाएं जैसा कि हम इंसान समझ पाते हैं। तो जानना चाहेंगे आप कि क्या है उन आखिरी पन्नों पर? तो इस मैसेज के आखिरी पेज पर है एक आदमी और एक औरत का स्केच, धरती की सतह का मैप, हमारे सौर मंडल का डायग्राम, एक फ्रीक्वेंसी जिस पर वो इस संदेश का रिप्लाई कर सकते हैं, और हमारी गैलेक्सी में हमारे सौर मंडल के और हमारी धरती के कोऑर्डिनेट्स। तो क्या लगता है आपको, कोई संदेश आएगा या खुद एलियंस ही पधारेंगे हमारे घर? ये तो कुछ यूं हुआ कि हमने अपना आधार कार्ड ही दे दिया एलियंस को, बशर्ते वो इस आधार कार्ड की इन्फॉर्मेशन यूज कर पाए। आपको याद होगा कि हमने पहले पार्ट में ये कहा था कि हमारे पास वो तकनीक नहीं है जिससे हम इस मैसेज को ट्रांसमिट कर पाए। खैर, मैसेज तो रेडी है, बस जरूरत है इसे ट्रांसमिट करने की। तो आइए जानते हैं कि ऐसा क्या हुआ कि हमारे पास इसे ट्रांसमिट करने की टेक्नोलॉजी नहीं है। तो हाल ही में एरिसेबो ऑब्जर्वेटरी दुर्घटनाग्रस्त हो चुकी है, जिससे सिग्नल्स भेज पाना पॉसिबल ही नहीं है। अब वैज्ञानिक सोच रहे हैं कि ये सिग्नल उत्तरी कैलिफोर्निया में मौजूद एलेन टेलीस्कोप एरे और चाइना के फास्ट रेडियो टेलीस्कोप से ट्रांसमिट किए जाएं। लेकिन दुख की बात यह है कि ये दोनों टेलीस्कोप्स सिर्फ सुन ही सकते हैं, सिग्नल ट्रांसमिट नहीं कर सकते। इसलिए शुरुआत में हमने ट्रांसमिशन की तकनीक के ना होने की बात कही थी, लेकिन जोनाथन ज़ियांग चाहते हैं कि किसी तरह से उन्हें ये सिग्नल ट्रांसमिट करने दिए जाएं। और अगर उन्हें ये परमिशन मिलती है तो उन्होंने ये भी कैलकुलेट कर लिया है कि वो मार्च से अक्टूबर के बीच अपना काम कर देंगे और हमारी गैलेक्सी मिल्की वे के सेंटर में हमारा संदेश भी जाने को रेडी हो जाएगा। लेकिन क्या हमें ये संदेश भेजना चाहिए? क्या आपको नहीं लगता कि ये बेवकूफ़ी है? खैर, आपको भले ही ना लगता हो, लेकिन कुछ लोग ये मानते हैं जो एक्टिव सेटी की आलोचना इसी आधार पर करते हैं कि वो फालतू में ही ऐसे मैसेजेस भेजकर टाइम और रिसोर्सेज और पैसा बर्बाद कर रहे हैं। उनका कहना है कि हमें सिग्नल्स को सुनना चाहिए। सिग्नल्स भेजने के लिए करोड़ों अरबों टारगेट्स हैं। हम कहां कहां और किन किन स्टार्स को टारगेट करके मैसेज ट्रांसमिट करेंगे? हाँ, ये कुछ हद तक सही भी है कि हम कितने तारों तक अपने मैसेजेस भेज पाएंगे। लेकिन अब आप ही बताइए कि किसी दूसरे के भरोसे बैठना और ये इंतजार करना कि कब कोई मैसेज भेजेगा और हम सुनेंगे, ये भी कहां की अकलमंदी है। आखिर पहल किसी न किसी को तो करनी ही होगी। बाद बाकी रहा डर कि अगर एलियन सच में आ गई और अगर वो किसी गलत इरादे से आई और हमारी धरती पर कब्जा कर लिया तो हम क्या करेंगे। हाँ, ये आर्गुमेंट भी जायज है, कुछ भी हो लेकिन वो फर्स्ट कॉन्टेक्ट हमारे लिए सब कुछ बदल कर रख देगा। दोस्तों, आपके क्या विचार हैं? क्या हमें वो सिग्नल्स भेजने चाहिए? क्या हमें एलियन से कोई खतरा हो सकता है? आप अपने विचार हमें नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। बाकी आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा? अगर वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक और दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। ऐसे ही और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन जरूर कर लीजिए। मिलते हैं ऐसे एक नए इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्टे क्यूरियस, बी हैप्पी। नमस्कार।